तो ये आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे ये असहाब कहफ के नौजवानों का वाकया क्या है आपने फ़रमाया कल बताऊँगा क्योंकि आप वही का इंतज़ार करते थे आपने इन शाह अल्लाह नहीं कहा ये नहीं कहा कि अगर, अगर अल्लाह ने चाह तो अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इस पे आपने अल्लाह ने आपको तमबी फरमाई कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बता सकते आपको ये कहना चाहिए कि अगर अल्लाह ने चाहा तो उस पर वही का सिलसिला बंद हो गया और आप इंतज़ार करते रहे पंद्रह दिन के बाद वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई इस अमल से क्योंकि वह इतराज़ कर रहे थे ना कि देखो इनको मालूम नहीं है तो पंद्रह दिन के बाद वहीं नाजिल हुई और फिर अल्लाह ने आपका पूरा वाक़ बयान किया और फ़रमाया कि वाला तली शई इन फ़ालिका गदन अशा अल्लाह कभी भी किसी काम के बारे में ये मत कहा करें कि मैं ये लाजमी कल करूँगा हाँ ये कहा करें अगर अल्लाह ने चाह तो नबी सल्ला वसल्लम ने कहना भूल गए तो वही देर से नाजिल हुई लेकिन अल्लाह ने फिर आपको तंबी फ़रमाई तो असाब कहफ का वाक़ बयान किया कि पिछली उम्मतों में चंद नौजवान थे जो मुशरक़ हुकूमत थी तो इन दोनों ने बुत परस्ती को छोड़ कर एक खुदा पर ईमान ले आए जब ईमान ले आए तो इनके लिए अपने कंट्री में रहना नामुमकिन हो गया तो इन्होंने अल्लाह पे पतमाद और तवक्ल करके कहा फ़ अबू अल यहाँ से निकलो और किसी गार में जा के पन् लो गार में जाएंगे तो कल देखेंगे फिर हमने क्या करना है फिलहाल यहाँ से निकलो यानी दीन से पीछे नहीं हटे बल्कि दीन पे कायम रहने के लिए उस मुल्क से हिजरत कर ली यही शरीयत का हुक्म है कि जिस जगह आप अपने दीन को महफूज नहीं रख सकते वहाँ से आपके लिए मूव कर जाना वाजिब है और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इस पर अजर मिलता है इस पर कुरान कहता है जो अल्लाह के राह में निकलेगा ना दीन पे कायम रहने के लिए इलाका छोड़ेगा यजिद फिल अर्दी वसा। जमीन में उसको बड़ी कुशादगी नजर आएगी जमीन का सीना उसके लिए खुला हुआ है भूख से मरेगा नहीं और अल्लाह ने फरमाया अगर वो सफर के दौरान मर गया फकत वाकाजरू अल्लाह उसका अजर अल्लाह के ऊपर पड़ गया है गिर गया उसका अजर अल्लाह के ऊपर यानी अल्लाह पे फर्ज हो गया उसको नवाजना तो अब ये तीन जब निकले तो इन्होंने कहा चलो भाई गार में जा पनाह लेते हैं और अगर तुम यहीं रहे तो ये हमें हमारे पुराने दिन पर ले आएंगे और हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे बड़ा मजबूत ईमान तो अपने कुत्ते को भी साथ कुत्ता हिफाजत के लिए अपने साथ रखना जायज़ है शो के लिए या वैसे ही शौकिया पालना जायज़ नहीं है बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है पहले ये कुत्ते गैर मुस्लिम पाला करते थे अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमानों ने भी कुत्ते पाल के शो मारना शुरू कर दिए और वैसे भी कुत्ते से एक अजीब वहशत होती है जितना ही पालतू हो ना आपको एक अजीब वहशत होगी उससे तो पालना ये भेड़ बकरियाँ पालें गाय पालें मुर्गियाँ पालें जो फलाल जानवर हैं तो ये दरिंदे मत पाला करें ये शरीयत में अच्छा काम नहीं है नबी ने फरमाया जिसने कुत्ता पाला बिला ज़रूरत रोजाना उसके अजर से एक रात कम होगा उसकी नेकियां घटती चली जाएंगी जितनी नेकियां उसने की है ना रोजाना उसमें से बैलेंस माइनस होता चला जाएगा जैसे आप कोई पैकेज करवा लेते हैं ना तो रोजाना के हिसाब से बैलेंस क्या होता है कटना शुरू होता है इतने एम खत्म हो गए होता है ना तो आपने फरमाया जिसने बिला जरूरत कुत्ता पाला उसकी नेकियों में से रोजाना के हिसाब से नकियां खत्म होती चली जाएंगी तो इसलिए अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना ज़रूरत के लिए पाले इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है तो शिकार के लिए तो अबाब कहाफ़ को भी चूँकि अजनबी थे तो अजनबियों को सफ़र में कुत्ते की ज़रूरत पड़ती है बज दफ़ा दूसरे कुत्ते से बचने के लिए भी कुत्ते की ज़रूरत होती है हकीकत है ना कुत्ता कुत्ते की ज़बान समझता है वो अपनी ज़बान में उसको समझाते ज़रा साइड पर हो जाओ ठीक है ना आप समझाओगे वो कुछ और समझ जाएगा वो समझेगा वो कह रहा है शायद ये कह रहा है मुझे काटो ठीक है ना तो कुत्ता है ना खोपड़ी थोड़ी है उसमें तो ये अपने कुत्ते को ले कर निकल गए कुत्ता भी कितना ज़बरदस्त कुत्ता उसका भी अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र कर दिया तो कुरान कहता है फ़ो अल कहफ़ जाओ हम इस गार में ठहरते हैं फिर देखेंगे क्या करना है कुरान कहता है हमने फ़ अला आज़ानी हिम फिलकफ़ी सीनी ना आदादा हमने उनको कई सालों के लिए वलबीतूफी कहफीम सला सी अतिन सिनीना ना वजदादु तसा तीन सौ दस साल के लिए हमने उनको सुला दिया अब ये बात यहूदी जानते थे कि अहाब कहफ का ऐसा वाक़ा हुआ है जिसमें वो कहते थे तीन सौ साल जबकि क़ुरान ने कहा तीन सौ दस तो ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर शमसी और कमरी का फ़र्क निकाला जाए ना तो शमसी तीन सौ क़मरी तीन सौ दस बनते हैं तो ये भी एक जबरदस्त क्या हो गई मैचिंग हो गई तो 310 साल के लिए अल्लाह ने उन्हें उस गार में सुला दिया क्या अल्लाह की कुदरत कुरान बताता है इसकी हमत क्यों सुला दिया नंबर एक कि जब वो उठ के आएंगे अपनी कौम के पास और अलामतों से लगेगा कि भाई ये 300 सौ साल क्योंकि तारीख उस वक्त भी लिखी जाती थी 300 सौ साल पहले ऐसे कुछ लोग हिजरत करके भागे थे यह हुआ था उस वक्त ये सिक्का भी है उनके पास तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है एक हमत तो ये कुरान ने बयान की ये हमत दूसरी हमत कि हिजरत जो अल्लाह के लिए करता है अल्लाह के लिए कुरबानी करता है अल्लाह गैब से कैसे इसबाब पैदा करते हैं अब पूरी दुनिया में उनको कोई ठिकाना देने वाला नहीं था अल्लाह ने कहा सो जाओ जब सुबह उठोगे ना तो ये हुकूमत ही चेंज हो चुकी होगी तीन सौ साल में इस्लामी हुकूमत आ चुकी होगी वो तुम्हें गले लगाएंगे कहेंगे भाई ये तो तौहि परस लोग 300 साल पहले निकले थे ठीक है ना ये कहाँ गायब हो गए थे तो 310 सो साल सोते रहे हैं और कुरान कहता है कि हमने गार पे जो उनका कुत्ता हिफाजत के लिए बैठा हुआ था ना वो 300 साल तक ऐसे बैठा रहा है कि व लवितलाईम लवलई तमिन हम फिरारा उसके रोब इतना था कि कोई उसके करीब से गुजर के उसको देख लेता तो भाग जाता वहां से वो समझता बाकायदा ये पहरा दे रहा है बैठा हुआ बासितुन इतन ही बिल वसी गार की चौखट पर अपने बाजुओं को फैलाया हुआ जैसे कुत्ते का स्टाइल होता है ना बैठने का इस तरह बैठा हुआ और जबान निकाल के हाँप रहे हैं <laughs> इंतजार में है। और कुरान कह रहे हैं हम उनको नींद की हालत में करवटें भी देते थे क्योंकि इतने अरसे अगर आप जमीन पर लेटे रहें तो जमीन ही खाना शुरू कर देती है और सूरज की किरणें इस अंदाज़ से पड़ती कि सूरज की रोशनी उनको नुकसान नहीं देती तो बड़ा है तमाम साइंटिफिक जितने भी वो तरीक़े होते हैं ना किसी को ज़िंदगी देने के उन तमाम तरीक़ों की क़ुरान कहता है हमने रियायत की और 310 साल के बाद जाके जब वो उठे हैं तो कहने लगे भाई क्या हो गया हम तो लग रहा है बहुत लम्बा सो लिए हैं क़ाल कम लबिस तुम कहने लगे कुछ पता है कितनी देर सोए हैं अब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना आपस में तो कहने लगे क़ाल उ लबिस ना यऊ मन शायद एक दिन या उससे कुछ कम सोए हैं क्योंकि वो सूरज को देख के अंदाज़ा लगा रहे थे ना कि हम जब घुसे तो तो ये टाइम हो रहा था निकले हैं तो ये टाइम हो रहा है तो 24 घंटे या उससे कुछ कम हुए फिर परेशान हो गए कि यार कुछ ऐसा लगता नहीं है <laughs> तो फिर कहने लगे रब्बू कुम आ लमू माँ लबिस तुम अल्लाह ही को पता है भाई कितने सोए हैं इस बहस में कुछ नहीं रखा हुआ पेट कमर से चिपका हुआ है फ़ब आसू आद कुम बी वरी़ी कुम हादि ये सिक्का रायजुल वक्त लेके जाओ और शहर में छुप के जाके चुपके से अय्यूहा अजका तो आमन जो हलाल खाना है ना वो लेकर आओ इससे पता चलता है भाई गैर मुस्लिम रियासत में इसकी फ़िक्र करना लाजिम है कि जो आप खा रहे हो वो हलाल है या हराम इस्लामी कंट्री में ज़रूरी नहीं है आप जाएँ गोश खा लें हलाल ही होगा लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हैं अमेरिका में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि होटल में जाके जो मर्ज़ी खा लो तफ्तीश करनी पड़ेगी पूरी तहकीक सिर्फ हलाल का ठप्पा काफ़ी नहीं है हर चीज़ पे हलाल के ठप्पे लगे हुए हैं आजकल वहां लोग कहते हैं हलाल लिखा वो यानी शराब की बोतलों पे भी उनका बस चले तो हलाल के ठप्पे लगा दें वो तो इतना काफ़ी नहीं है बाकायदा किसी इदारे से सही रिलायबल इदारे से तहकीक़ होनी चाहिए कि हाथ से अल्लाह अकबर पढ़ के ज़बा कर भी रहे कि नहीं कर रहे वरना वो हलाल नहीं होगा गैर मुस्लिम मुल्क में गोश्त खाना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक आपको सौ फीसद यकीन ना हो जाए कि यह वाकई हलाल तरीके से ज़बा हुआ है तो खैर तो उन्होंने कहा फलियूहा अयुहा का तो आमन चुपके से जाओ वलिय तल किसी को पता ना चले भेस बदल के जाओ और फिलहाल कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो और हलाल खाना होना चाहिए तो अब जब वो सिक्का राइजुल जिलवक्त लेके आया है ना तो बंदों ने जब वो देखा उन्होंने कहा ये तो 310 साल पुराने सिक्के चल रहे हैं भाई ये कहाँ से आए ये तो किसी के पास आजकल मार्केट में है ही नहीं खैर जी वो कुरान तो मुख्तसर वाक्य बयान करता है बेल आखिर तफ्तीश होते होते उन्होंने तारीख की किताबें देखी होंगी अपने अब्बा दादा से पूछा होगा भाई वंस अपॉन अ टाइम कुछ लोग यहाँ से गए थे वो हुकूमत थी उन्होंने वो पकड़ पकड़ के सबको उठा के ले आए तो वो ये वाक बनी इसराइल में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया कि अल्लाह ने चंद नौजवानों को जिन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी उनको अल्लाह ने 310 साल तक गार के अंदर बंद रखा है उसके बाद अल्लाह ने निकाला तो फिर उन्होंने नबी वसल्लम